नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भाई, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज भी। ये आपको प्रूव करना है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें भी विद टू डिफरेंट एंगल्स भी, एंगल आपकी बार क्या कर दिए हैं, डिफरेंट कर दिए हैं, क्या उनका रेंज सेम हो सकता है भी? चेक करना है, हो सकता है कि दो किसी दो एंगल पे सेम हो जाए रेंज भी, प्रूव करना आपको ये बात। ओके भी, तो आपको प्रूव करना है कि रेंज जो होगी वो सेम होगी फॉर दो एंगल, किसी दो एंगल्स के लिए। वो कौन से एंगल हो सकते हैं दो भी? एक ही केस हो सकता है उसका कोई। आपने दो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद डिफरेंट एंगल्स भी, क्वेश्चन है क्या वो सेम रेंज कवर करेंगे भी? ठीक है, देखते हैं भी। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्लास भी? रेंज ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होती है? रेंज आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था भी, कुछ याद है? हाँ, एंगुलर में यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये फार्मूला था अभी। ओके, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया विद एंगल थीटा भी। पहला पॉइंट ले लेते हैं इसमें, वन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा भी, किसे पे क्या गया इसको, एंगल थीटा से, जो हम पहले फेंक चुके हैं, तो आर कितना आएगा इसका, रेंज आर वन मान लो, इसकी रेंज भी यही आएगी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये फार्मूला है ना विद एंगल थीटा, यस सर ना। और एक को ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, दूसरे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया विद एंगल, विद एंगल किस एंगल के साथ भी, मान लेते हैं 90 माइनस थीटा से भी, 90 माइनस से थीटा से, इसको मान लेते थ्रो किया 30 डिग्री एंगल के साथ, इसको किससे किया गया 60 से भी, क्वेश्चन देखेंगे क्या दोनों की रेंज सेम होगी भी। रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, आर टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, कितना अभी एंगल कितना आपकी बार 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला तो यही है, डिवाइड बाई जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? एंगल कितना आपकी बार 90 माइनस थीटा भी, तो मैंने पुट कर दिया 90 माइनस ए थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टू क्लास, यू स्क्वायर साइन, इसको अंदर ले जाऊँ टू को भी, कितना बनेगा 180 माइनस टू थीटा बाई जी, एनी प्रॉब्लम, समझ में आया थोड़ा बहुत है? यस और नो? ये एंगल कितना हो सकता है साइन 180 माइनस टू थीटा, हम निकाल चुके हैं जीरो यूनिट में, साइन 180 माइनस थीटा, क्वेश्चन है 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा भाई, यस और नो? दूसरी बात है 180 माइनस एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा ये, तो याद है कुछ, याद है आपको फार्मूला, साइन 180 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा होता है, यस और नो? 180 पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इनटू थीटा में, ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा बताओ, आर टू का वैल्यू कितना होगा, आर टू बराबर है अभी यू स्क्वायर साइन टू थीटा, सही लिखा मैंने बाई जी, क्या आर वन आर टू बराबर हो रहे हैं अभी, आर वन इक्वल टू आर टू, देखो आर वन का वैल्यू ये रहा, आर टू का वैल्यू ये रहा, दोनों के वैल्यू क्या है बराबर है, ये टू गुणा करो अंदर, 90 टू कितना आएगा 180 माइनस टू थीटा, सही है, एंगल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक थीटा है एक 90 माइनस थीटा है, सिर्फ अकेली ऐसी कंडीशन है जहाँ पे रेंज क्या होगी बराबर होगी, हो जाएगा अभी, कौन सी कंडीशन है, एक एंगल थीटा होना चाहिए, थोड़ा कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा होना चाहिए, अगर एक फेंका गया 30 डिग्री से, थोड़ा किससे फेंका गया 60 डिग्री से, तो रेंज क्या होगी उनकी, सेम हो गई अकेले इसी कंडीशन में भी, हो जाएगा भी, कर पाओगे इसको दिखाने के लिए, डायग्राम में कैसे दिखाओगे आप लोग, टाइप करते हैं इसको, ऐसे दिखा सकते हैं प्रोजेक्शन के साथ भी, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया अभी एट एंगल थीटा भी, यहाँ पे गिरा
दूसरे को थ्रो किया गया अभी किस एंगल के साथ? 90 माइनस थीटा के साथ। समझ में आ रहा है? अभी दोनों का रेंज क्या होगा? सेम। ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट क्या है? बी। कर पाओगे? यस और नो? देखिए अभी हमारे पास से एक ऑब्जेक्ट है, इसको थ्रो किया गया है। हमने पहले इसको थ्रो किया था अभी विद सेम एंगल्स भी, ऐसे था? यस और नो? इसको थ्रो किया गया था विद सेम एंगल्स, ये यू था अभी थीटा, यस और नो? तो इसने ऐसा कुछ ट्रेवल किया था पाथ भी, हो जाएगा भी। अब इसको थ्रो किया गया है विद एंगल भी, किस एंगल के साथ है? एंगल विद वर्टिकल्स भी, नॉट विद हॉरिजॉन्टल, विद वर्टिकल्स। अगर मैं ये एंगल की बात करता हूँ, टॉपिक दोबारा नहीं करूँगा भाई, उसी को यूज़ करेंगे दोबारा से। कौन सा एंगल वर्टिकल बना रहा है? ये एंगल है अभी वर्टिकल साथ, तो ये सर नो, ये कितना है? ये कितना है? 90 माइनस थीटा भी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा अभी? मैंने उसी टॉपिक में चेंज कर लूँ कुछ? क्या चेंज कर लें? जहाँ थीटा था वहाँ क्या डाल दूँ? आपकी बार 90 माइनस थीटा डाल देते हैं। यस और नो? देखो आप कौन सा एंगल यूज़ करना, आपको जो एंगल किस साथ बना रहा है? वर्टिकल के साथ बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ? ये 90 माइनस थीटा भी। यस और नो? कुछ याद होना चाहिए आपको। मैंने पहला टॉपिक निकाला था, फर्स्ट था टाइम ऑफ लाइट भी, उससे पहले तो पाथ था ना, वो यूज नहीं कर रहे। पहला टॉपिक था टाइम ऑफ फ्लाइट का भी, मेरे को बताओ फार्मूला क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट का भी? टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये फार्मूला था भाई। यस सर ना? अगर इसके लिए निकालता हूँ एंगल विद वर्टिकल्स भी, कैसे बनाऊंगा इस फार्मूले को भी? टी इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर नो? एंगल कौन सा यूज करना है? 90 माइनस थीटा वाला भी विद वर्टिकल्स भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा भी? साइन 90 आया हुआ, चेंज होगा पक्की बात अभी। 90 माइनस थीटा आया हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। यस सर नो? तो टी का वैल्यू क्या बना बताइए मेरे को? 2u cos थीटा बाई जी। यस सर नो? तो दिस इज द टाइम ऑफ लाइट फॉर दिस केस भी। फ़र्क क्या आएगा पता आपको? अगर इस टॉपिक को दोबारा करना आपको, कैसे करोगे? ये यू है, यू को रिजोल्व करो, इसको 90 माइनस मत मानो, ये एंगल मांगो थीटा मानो, इसको पूरा टॉपिक करना हो तो क्या माने इसको? थीटा। रिजोल्व करो भाई, यू को किस तरफ क्या आएगा? यू कोस थीटा, इस तरफ क्या आएगा? फ़र्क पड़ गया भाई, साइन वहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस, हमें कोस वहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन। समझ में आ रहा है भाई? बाकी तो वही है, सेम टॉपिक्स। नहीं समझ में आया तुम लोगों को? अब इसको सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, डेट यूज करूंगा भाई। सेकंड पॉइंट क्या था? रेंज था भाई या हाइट था? हाइट ले लेते हैं, मैक्सिमम हाइट भी। फार्मूला क्या बना था भाई क्लास, बताइए मेरे को? एच बराबर है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, या 1/2 था ये। ओके, ये फार्मूला था, सॉरी इसके यहाँ पे था फार्मूला, ये एच बराबर है कितना था? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। यहाँ पे कितना आएगा? थीटा की जगह पे क्या डाल देंगे? 90 माइनस थीटा भी। सही है कि नहीं है? साइन 90 माइनस थीटा, अगेन कोस थीटा, तो क्या आंसर आएगा बताइए मेरे को? भी एच बराबर है यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर हो जाएगा ये थीटा बाई 2g। फार्मूला चेक करते रहना भाई, गलती ना करोगे फार्मूला में, हो जाएगा भी इतना। यस सर नो? रेंज थी उसके बाद, रेंज थी, रेंज था ना, रेंज का फार्मूला क्या होगा भाई? यू स्केयर साइन 2θ बाई जी। यस सर नो? यहाँ पर चेक करोगे, रब कर दें इसको, आर इज इक्वल टू यू स्केयर, रेंज लिखें, कौन सा पॉइंट है ये? थर्ड, क्या था? यू स्क्वेयर साइन 2θ बाई जी, क्या लिख दें? 180 माइनस थीटा लिख दूं, सॉरी क्या लिखेंगे? आर की वैल्यू बताइए अभी, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर
साइन टू 90 माइनस थीटा बाई जी कितना हो गया अभी, आर बराबर है अभी यू स्केयर साइन 180 हो गया माइनस टू थीटा बाई जी, कितना वैल्यू आया क्लास बताइए जल्दी से मेरे को, यू साइन यू स्केयर साइन थीटा बाई जी साइन टू थीटा बाई जी 180 माइनस थीटा, कोस साइन चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, यस और नो, तो कितना आएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। आपसे एंगल किससे बनाइएगा, वर्टिकल हाथ बनाओ, आंसर वही होगा भाई रेंज का, तो कर पाओगे यस और नो। अगर हम बात करते हैं एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी की बात करते हैं अभी, फोर्थ पॉइंट क्या होगा वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसका फॉर्मूला क्या बना था, वी इज इक्वल टू वी, वी था ना अंडर द रूट, बताओ मेरे को, यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस प्लस था आगे यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्केयर हुई। ओके इसमें चेंज करो भाई, फोर्थ पॉइंट डालिएगा, फोर्थ पॉइंट है वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट वी, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट वी इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा अंडर द रूट वी, इसके अकॉर्डिंग वी यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा कितना है 90 माइनस थीटा प्लस यू साइन 90 माइनस थीटा माइनस जी टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर वी, क्या सही लिखा है बताओ भी क्लास, जहाँ पे 90 है पक्का बदलने वाला अभी, यस सर नो, 90 माइनस थीटा किया गया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस सर नो, और फर्स्ट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं अभी, तो कॉस क्या रहेगा इसमें पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉस बदल जाएगा साइन के अंदर भी, तो वी कितना आएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस यहाँ पे कितना आएगा भाई यू कोस थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर भाई, समझ में आ रहा तुम लोगों को भी, नाम है सर्कुलर मोशन भी। आपने जब यूनिट शुरू की थी बातें नहीं करनी, आपने जब यूनिट शुरू की थी उसमें तीन मोशन पढ़ाए गए थे आपको भी, ठीक है, एक तो था सिंपल मोशन, क्या नाम था ट्रांसलेटरी और लिनियर मोशन बोला गया था, पूरे तो ये पढ़ रहा हम लोगों ने अभी तक, यही पढ़ा है, एक था सर्कुलर या रोटेटरी मोशन अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, ये अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में, यूनिट नंबर 5 पूरी इसके बारे में है अभी, फिर है ऑसिलेटरी एंड है वाइब्रेटरी, यूनिट नंबर 10 में पूरा वही है अभी हमारा, यानी पूरी मैकेनिक्स है हमारे यहाँ प्लस वन में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको अभी, स्ट्रेट लाइन से लेके सर्कल तक टू एंड फ्रो मोशन को भी कर पाओगे, यानी पूरा मैकेनिक्स इसमें है, प्लस वन में पूरा मैकेनिक्स डाल रखा है इन्होंने, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका भी कर लेते हैं, व्हाट इज ए सर्कुलर मोशन, सीधी सी बात है भाई, जो बॉडी किसमें चल रही होगी सर्कल में चल रही होगी, कौन सी है वो सर्कुलर मोशन से, समझ में आ रहा है, लिख लीजिएगा, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कल दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी सर्कल में चलती है तो क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, समझ में आई बात, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी आपकी बार बॉडी, किस में चलेगी सर्कल के अंदर भी, तो इसमें एक टॉपिक बनाएंगे स्टार्टिंग टॉपिक जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है अभी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, बॉडी चल रही है इन्हें सर्कल भी, अगर आपको याद हो व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन भी सीन स्ट्रेट लाइन भी क्या था, कुछ आइडिया है, बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यस और नो, स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने बोला था आपको ए बी है, ये 5 मीटर चल रही है 5 सेकंड के अंदर, ठीक है यस और नो, तो उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिस्प्लेसमेंट बराबर होती हैं, स्पीड कितना है 5 मीटर कैसे 1 मीटर पर सेकंड भी 1 मीटर है पर सेकंड, वेलोसिटी कितना है
वन मीटर पर सेकेंड, वो भी बराबर होती है। यस सर नो, यहाँ पे होती है, देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक बॉडी चल रही है विद सर्कल, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से, भी किससे चल रही है सर्कल में 5 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन ये है, यूनिफॉर्म के अंदर स्पीड हर जगह पे बराबर होगी भी। जैसे अगर बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म की स्पीड क्या होगी हर जगह पे बराबर होगी, क्या वेलोसिटी बराबर होगी भी। इमेजिन करो आपके पास धागा है भी, धागे से पत्थर बांध लिया और घुमाना शुरू किया धागे को, पत्थर को कैसे घूमेगा इन्हें सर्कल भी, या सर ना घूमेगा कि नहीं घूमेगा। और मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके धागा टूट जाए भी, आप लगातार घुमा रहे हो पत्थर को भी यहाँ पे, और इस पॉइंट पे आके धागा टूट जाए तो क्या होगा भी, पत्थर कैसे चलेगा भी? क्या घूमेगा? इट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन भी, डायरेक्शन यहाँ पे होगी वेलोसिटी की, यहाँ से टूट जाए तो इट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन भी, यहाँ से टूट जाए तो स्ट्रेट लाइन, यहाँ से टूट जाए तो स्ट्रेट लाइन, यस सर नो। यानी हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है अभी, यस सर नो। जब डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी वेरिएबल बन गई भाई, कांस्टेंट नहीं रही भी, यस सर नो। इस कंडीशंस में क्या था, वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही क्या थी, कॉन्स्टेंट थी भी यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर इन स्ट्रेट लाइन। बट इन यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर पाथ, स्पीड तो सेम रहेगी भी बट वेलोसिटी क्या करेगी, हर जगह पे चेंज होगी इन डायरेक्शंस की टर्म में। कर पाओगे? सीधी सी बात ये है भाई, अगर आपको किसी कर्व के ऊपर डायरेक्शन निकालना हो किसी का भी, एक ही तरीका टेंजेंट ड्रा कर दोगे। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो ये कितना एंगल बना रहा है, 90, ये वाला रेडियस के साथ भी 90, ये वाला 90, ये वाला 90. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? किसी भी कर्व पे या किसी सर्कल पे आपको डायरेक्शन निकालना हो, क्या तरीका है, क्या कर दो, टेंजेंट ड्रा कर दो। टेंजेंट मतलब 90 डिग्री ड्रा कर दो रेडियस के साथ पे, वो क्या देगा उस पॉइंट के लिए डायरेक्शन देगा। अभी समझ में आई बात है, देख लीजिएगा अभी, इन सर्कुलर, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट भी, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्पीड वही रहेगी भी सेम हर जगह पे भी, स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट वेलोसिटी इज चेंज्ड ड्यू टू डायरेक्शन भी, वेलोसिटी इज चेंज्ड ड्यू टू डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी भी। समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत, नहीं आ रहा ये बता दो पक्का, कुछ बोल नहीं रहे, मुश्किल पड़ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से बताओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अभी पूरा चक्कर मारने में भी, 2πr सर्कमफेरेंस बटे टाइम कितना लेते हैं टी। समझ में आ रहा तुम लोगों को? तो जो मोशन पढ़ रहे हैं, नाम क्या है इसका, रोटेशनल मोशन है अभी, इसमें डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल वाली नहीं है भाई, जो अपने अब तक पढ़ी हुई, इसको लिखते हैं थीटा एंगल से भी। ओके, देखिए एक बॉडी घूम रही है ना सर्कल में, ये इसका रेडियस है आर मान लेते हैं, इनिशियली बॉडी यहाँ पे थी भी ए पॉइंट पे भी, घूम के कहाँ चले गई, बी पे आ गई भी, सही है ये सर ना। ये कितना है, ये आ रही होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया अभी इसने, यह सर ना। इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कर पाओगे? यस सर नो। ए से बी तक का एक डिस्टेंस आ रहा है, सिंपल डिस्टेंस है, तो माप सकता हूँ स्केल से इसको, एक्स ले लेते हैं इसको, सही है यस सर नो। तो लिखिए पहले डेफिनेशंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
लिखिए, इट इज द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर वी. इट इज द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर विद सेंटर वी. इट इज द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर विद सेंटर. बॉडी किसमें घूमनी है? सर्कुलर, सर्कल के अंदर भी सही है. इट इज द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर इन विद सेंटर भी. कर लोगे? यस और नो? अगर आपको थीटा निकालना हो, थीटा क्या है इसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यस और नो? थीटा निकालना हो भी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे हम लोग? थीटा बराबर है, कैसे निकालते हैं थीटा? कुछ याद आ रहा है? लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस पे. यस आर नो? फर्स्ट यूनिट से पढ़ रहे, थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है. लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस. इसमें लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? ए बी है भी. यस आर नो? ए बी लिख सकता हूँ. बटे रेडियस कितना है इसका? ओ ए या ओ बी ले लो, मर्जी तुम्हारी भी. कर लोगे? ये तरीका भाई. इसको मैं ए बी को क्या मान रहा हूँ? एक्स या एल, हमने एल यूज किया उसकी जगह पे, हमने डिस्टेंस ही तो है. कर लोगे? बटे ओ ए क्या है? आर. दिस इज द फार्मूला ऑफ थीटा भाई, लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस भी. सही लिखा मैंने? अरे हाँ या ना? यूनिट क्या होंगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भाई? सिंपल डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट होती है? मीटर. इसकी क्या होती है? एंगल तो है भाई. यूनिट ऑफ एंगल्स रेडियन भी. क्या होती है? रेडियन. आर ई डी सी लगती है इसको. यस आर नो? यूनिट ऑफ एंगल क्या होती है? रेडियन. एंगल ही तो है. यस आर नो? डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका भाई? बताओ. फार्मूला तो ये बन रहा है, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस करके देखो. L1 वन बाई एल वन, एल जीरो एम है नहीं, T नहीं है, तो कितना हो गया? एम जीरो एल जीरो टी जीरो. यानी बोल सकता हूँ डायमेंशन लेस है ये. एंगल वैसे डायमेंशन होते हैं, इसलिए क्या मानते हैं इसको? सप्लीमेंट्री यूनिट में काउंट किया जाता है अभी. यस और नो? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हो जाएगा. अगर इस इक्वेशन से देखें अभी, ये इक्वेशन किसके बीच का है? थीटा क्या है इसके अंदर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एक्स क्या है भाई? एक्स क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. सिंपल डिस्ट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये, ए से बी तक का. ये सिंपल बोला है. तो ये एक रिलेशन हो सकता है किसके बीच का? रिलेशन बिटवीन किस में भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट. सही है कि नहीं है? क्या ले सकते हैं इसको मैं? एक्स को क्या ले सकता हूँ बताओ? आर थीटा ले सकता हूँ. आर थीटा भी एक्स बराबर है किसने? आर थीटा. ये रिलेशन हो गया दोनों के बीच में भी. एक्स क्या है इसमें? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. और थीटा क्या है इसमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. कुछ दिमाग में घुस रहा है भाई? ये मोशन जो पढ़ रही है, आप लोग पढ़ते आए, उससे हट गया तो टॉपिक बन गया. अभी जो मौसम पढ़ाया जा रहा है, किस में पढ़ाया जा रहा है आपको? रोटेशनल मौसम में पढ़ाया जा रहा है अभी आपको. कर लोगे? यस आर नो? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है अभी? क्लास वेलोसिटी क्या होती है अभी? सिंपल वेलोसिटी कैसे बोलते हैं हम लोग? हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी. यस आर नो? यहाँ बोल दो, क्या दिक्कत है? लिख लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लिख सकता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सही लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. सिंपल वेलोसिटी कैसे बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सिंपल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए. यस आर नो? कुछ याद है वेलोसिटी कैसे निकाली गई थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा था मैंने वहाँ पे, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यूनिट पूरी नहीं हुई है, तुम भूल चुके हो उस यूनिट को भी। सेकेंड यूनिट चल रही है अभी, ख़त्म नहीं हुई है। मैं मानता हूँ कि 5 मिनट चल रही है, तुम सेकेंड भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सेकेंड चल रही है, सेकेंड ही भूल रहे हो। अजीब सा लग रहा है अनुपद, ये क्या आ गया भाई, ये क्या चीज़ है? यस सर नो, एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाता है वर्ड ओमेगा से भी। सुना है ओमेगा कभी? डब्लू जैसा होता है, मुड़ा डब्लू लिख दो, एक लिख नहीं पता तो ओमेगा ग्रीक लैंग्वेज में घुस जाओ अभी। किस वर्ड से लिखाते हैं इसको हम लोग? ओमेगा से। तो ओमेगा क्या लिखोगे बताओ मेरे को, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या लिखवाया डेफिनेशन मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी इसके हिसाब से लिखें तो कैसे लिखें? डी थीटा बाई डी टी। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस सर नो, फार्मूला बना दिया हम लोगों ने इसका भी। यूनिट क्या होंगी इसकी क्लास? यूनिट ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी। थीटा यूनिट क्या थी? रेडियन। टाइम की क्या होती हैं? सेकेंड। तो क्या ले सकते हो? रेडियन पर सेकेंड भी, रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भी? आ रहा है। डायमेंशन फार्मूला क्या बनाओगे बताओ जल्दी से? इसका तो होता ही नहीं है, इसका तो है ही नहीं। इसका कितना है? टी है, तो टी क्या लिखोगे? टी माइनस वन भी ऊपर जाएगा, तो क्या लिखोगे इसको? टी माइनस वन। समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब अगर रिलेशन करना हो आपको सिंपल वेलोसिटी में और इस एंगुलर वेलोसिटी में, कैसे करोगे भाई? लिख दो इसी में रिलेशन बिटवीन किसके बीच का? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी भी। इन दोनों में रिलेशन करना हो तो आपको देखिए क्लास, ये फार्मूला है ओमेगा का भी। कितना फार्मूला बनाया हम लोगों ने? ओमेगा बराबर है अभी डी थीटा बाई डी टी। और इससे पहले टॉपिक में हम क्या निकाल चुके हैं? थीटा निकाल चुके हैं अभी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा क्लास? थीटा कितना था याद है? इट इज एक्स बाई आर भी। यस सर नो, थीटा कितना था? एक्स बाई आर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा भी, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स बाई आर भाई। सही लिखा मैंने? थीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने एक्स बाई आर। इसमें कांस्टेंट क्या है? रेडियस कांस्टेंट होता है हमेशा भी। रेडियस को बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा? ओमेगा बराबर है वन बाई आर डी एक्स बाई डी टी। यस सर ना, वन बाई आर डी एक्स बाई डी टी। और ये लिखो, लिखा पड़ा हुआ है डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वी के बराबर होता है। वी क्या होना है? लीनियर वेलोसिटी है अभी सिंपल वाली भी कर लोगे। यानी क्या ले सकता हूँ? ओमेगा बराबर किसके भी? वन बाई आर इंटू वी ले सकता हूँ इसको भी, वन बाई आर इंटू वी। सही है कि नहीं है अभी? और वी बराबर है क्या ले सकता हूँ? आर ओमेगा भी। एनी प्रॉब्लम क्लास? दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी भी। क्लास व्हाट इज एक्सेलरेशन भी? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ए को कैसे लिखा गया कुछ याद है आपको? डी वी बाई डी टी। यस आर नो, डी वी बाई डी टी याद है कि नहीं है? तो लिखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एंगुलर एक्सेलरेशन भी। लिखेंगे तो वही की सेम डेफिनेशन लिखेंगे इसमें भी। इसको लिखते हैं अल्फा से भी। सिंबल क्या होता है इसके लिए? अल्फा। सिंबल अलग हो गए बिल्कुल आपसे भी। पहले ये था, वी था, एक्स आर था, अब क्या है? थीटा है, ओमेगा है, अल्फा भी कर लोगे। लिखिए अभी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिकॉर्डिंग चल रही है अभी?
गर्ल्स, मैं बंद ही कर रखी है, मैंने भरोसा नहीं, और दोबारा एक्टिंग करनी पड़ेगी दोबारा से। देखिए अभी क्लास अल्फा क्या लिखा है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ, डी ओमेगा बाई डी टी सही है कि नहीं है, अरे बता दो। यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगी क्लास, व्हाट इज यूनिट ऑफ ओमेगा, अभी क्या था रेडियन पर सेकंड भी, ये था ना रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाई टाइम भी है नीचे, सेकंड भी क्या बन गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर सही है कि नहीं है। डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा भाई, इनका तो है ही नहीं वैसे भी, है कि है टी माइनस वन, इसका कितना है टी माइनस वन, एक के नीचे भी है, तो क्या बन गया टी माइनस टू भी सही है कि नहीं है, क्या बन गया टी माइनस टू, एम नहीं है एम जीरो लिख दो, एल नहीं है एल जीरो लिख दो, लिखना तो पूरा आपको एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, कर पाओगे। अब वही करते हैं, रिलेशन करते हैं इनके बीच का भी, किसके बीच का रिलेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर में करना आपको रिलेशंस है। फार्मूला क्या है अल्फा का भी, अल्फा बराबर है डी ओमेगा बाई डी टी, ये सर ना वेड़ी था ओमेगा बाई क्लास, अभी निकाला था कुछ देर पहले ओमेगा, मैंने ओमेगा था वी बाई आर, चेक करो भी एक बार देख लो, ओमेगा क्या था वी बाई आर, क्या था ये सर ना, पुटिंग द वैल्यूज भी, अल्फा बराबर है अभी डी बाई डी टी, वी बाई आर ले सकता हूँ, आर इसके लिए कांस्टेंट है अभी, रेडियस कांस्टेंट होता है मैं सभी, अल्फा बराबर है वन बाई आर, बाहर निकाल लिया डी वी बाई डी टी, सही लिखा मैंने, डी वी बाई डी टी क्या होता है सिंपल अल्फा होता है, तो कौन सा अल्फा लीनियर सॉरी सिंपल एक्सेलरेशन भी, क्या बनेगा बताओ, अल्फा बराबर अभी वन बाई आर इंटू ए लिख सकता हूँ भी, अरे ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको भी, हो जाएंगे दिस इज एंगुलर एक्सेल।